तो देखो भाई लोग, आदि पुरुष के इतने बुरी तरीके से पिटने के बाद फाइनली प्रभास की न्यू मूवी का टीजर आ चुका है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब देखो भाई, आदि पुरुष की वजह से प्रभास को तो बहुत हेट मिला, लेकिन प्रभास का न्यू बैंगर आ गया है सलार। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, ये मूवी KGF के यूनिवर्स की है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगा। तो जब तुम इसके टीजर को देखोगे तो तुम्हें वही सेम KGF वाली फील आएगी, क्योंकि इस मूवी को वैसे बनाया ही गया है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली दोनों मूवी सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो फील तो सेम आनी चाहिए। इसीलिए इस मूवी का वर्ल्ड, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके एक्शन, इसके स्लो मोशन सीन, सब कुछ KGF जैसे लगते हैं। और भाई टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस मूवी का टीजर काफी अच्छा लगा। अब भाई इस टीजर में बोला जाता है कि लायन टाइगर ये सब बहुत खतरनाक है, बट नॉट इन जुरासिक पार्क। तो भाई क्या ये लोग इनडायरेक्टली प्रभास को डायनासोर कह रहे हैं? बात कर रहे हैं। लेकिन देयर इज अ रिबेल करके दिखाया गया है, तो मतलब ठीक है। अब देखो भाई, इस मूवी का एक्शन तो काफी अच्छा होने वाला है, जो कि इसके टीजर को देख के साफ पता भी चलता है। और भाई देखो एक बार, प्रभास इस रोल में कितने ज्यादा सूट कर रहे हैं। और भाई वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष में प्रभास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे राम भगवान के रोल में, बट भाई यहाँ पर प्रभास का जादू काम किया है और वो इस रोल में सूट कर रहे हैं। और भाई इस टीजर में मूवी के बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, एंड आई थिंक ये जो सीन दिखाया गया है जिसमें लायन टाइगर वाली डायलॉग बाजी की जाती है, वो बस इस मूवी के प्रमोशन के लिए शूट किया गया है। बाकी मूवी के जो रियल सीन्स हैं वो सब ये हैं, जिसमें प्रभास पूरा एक्शन कर रहे हैं। तो भाई ये है मूवी के रियल सीन्स। अब भाई इस टीजर का BGM भी काफी जबरदस्त था। अब एक चीज मुझे इस टीजर की अच्छी नहीं लगी, वो थी इसके डायलॉग्स। आई मीन भाई, हो सकता है कि तुम्हें इसके डायलॉग्स अच्छे लग सकते हैं, बट भाई मुझे पर्सनली वो ठीक ठाक ही लगे, मतलब अच्छे नहीं लगे। आई मीन थोड़े से ओवर द टॉप लगते हैं इसके डायलॉग्स, लेकिन फिर भी अभी के लिए उतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। बाकी टीजर की जो पूरी फील है वो काफी अच्छी है। अब भाई ये जो टीजर है वो पूरा का पूरा KGF वाला फील दे रहा है, तो ये बात काफी ऑब्वियस है कि इसका कंपैरिजन KGF से किया जाएगा। तो भाई एक बार तुम जाके सलार का टीजर देखो, एंड देन तुम जाके KGF चैप्टर 2 का टीजर देखो, तुम्हें फर्क तुरंत पता चल जाएगा कि KGF चैप्टर 2 इज वे मोर बेटर देन सलार। लेकिन भाई अभी ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बट भाई मुझे तो प्रशांत नील पे पूरा भरोसा है। जैसे KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छी निकल के आई थी, वैसे ही सलार भी अच्छी निकल के आएगी। और भाई आई थिंक कि प्रभास का जो रेपुटेशन खराब हुआ है बाहुबली 2 के बाद, वो ठीक कर देगी ये मूवी। और भाई जब आदि पुरुष का टीजर आया था, उस टाइम पे भी मैंने ये बात बोली थी कि बाहुबली 2 के बाद प्रभास की तरफ से कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला है, बट अब सलार के टीजर को देख के फाइनली ऐसा फील हो रहा है कि प्रभास की तरफ से कुछ तो अच्छा आ रहा है। और भाई मैं सलार के टीजर का कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें सब लोग प्रभास को गालियां दे रहे हैं कि आदि पुरुष में हक गया था चूतिया ऐसा करके, बट भाई ऐसा मत करो यार, आदि पुरुष की वजह से इस मूवी को हेट मत दो। आई मीन भाई, किसी एक मूवी की वजह से एक्टर को हेट करना ये बात अच्छी नहीं है। आई मीन आदि पुरुष मूवी अच्छी नहीं निकली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रभास एक्टर ही बुरे हैं। प्रभास की एक्टिंग रेंज कितनी है ये तुम्हें सलार मूवी में पता चल जाएगा। अब देखो भाई, मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं इसके टीजर के बारे में, मुझे ये टीजर काफी पसंद आया और मैं इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम्हें ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और किसी वीडियो का सजेशन देना है, कोई वीडियो चाहिए तो भी तुम लोग कमेंट कर देना। और भाई आई नो कि तुम लोग काफी सारे वर्सेस बैटल सजेस्ट कर रहे हो, तो एक एक करके सब पे वीडियो आएगी, चिंता मत करो। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।